ये स्टॉक जो अब मेरे रडार पर आया है वो है MRPL। मुझे लगता है शायद अभी सिमी जी ने इसको जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से पहले फास्टेस्ट सिंगल्स में इसको 10 की कमाई में ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन ये इतना ह्यूज बन चुकी है, ये सिर्फ एक या दो दिनों का ट्रेड नहीं है, ये एक बहुत ही जबरदस्त एक पोजिशनल ब्रेकआउट है। देखिए MRPL एक वेल एस्टेब्लिश एक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी अभी बिरला ग्रुप और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बीच में, और अब ये ONGC की एक सब्सिडरी है जो कि रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल बिजनेस और ट्रेडिंग एविएशन फ्यूल के इस बिजनेस में प्रेजेंट है। देखिए जिस तरह से ऑयल की प्राइसेस और रिफाइनरी के रिलेटेड बिजनेस यहाँ पर बहुत अच्छा करते नजर आ रहे हैं, ये कंपनी है जो अभी तक एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रही थी, लेकिन आज जिस तरह से एक बड़े चार्ट पर यहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया, वो ब्रेकआउट क्लियर कट एक फिफ्थ वेव का ब्रेकआउट है, फोर्थ वेव की एक बड़ी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर जो पहला टारगेट कंजर्वेटिव टारगेट मेरी नजर में आता है वो है 75 रुपए का, तो अब अभी 58-59 रुपए के रेंज में है, 75 रुपीज का पहला टारगेट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद दीपांशु अगर फुल लेंथ में ये वेव अनफोल्ड होती है तो 100 रुपीज का टारगेट 100 रुपए का टारगेट इस स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट है जिसमें जिसको मिस नहीं करना चाहिए, करंट लेवल पे खरीदारी करें, कोई भी डिप 56-57 तक मिलता है ऐड करके चलें, 50 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ MRPL में स्पेशल खरीदारी की राय है। और दीपांशु अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट में तो जिस तरह के ब्रेकआउट चेन्नई पेट्रो हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन जिस तरह के स्टॉक्स में आते हुए नजर आए हैं, ये स्टॉक में अभी ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट एक अच्छी ब्रेकआउट यहाँ से आने वाले दिनों में एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है, ब्रेकआउट इस पर आ सकती है। 75 और फिर 100 के बड़े टारगेट्स इस पर आपको आते हुए दिखेंगे।